गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम लीना यादव इन भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज. टुडेज माय लेक्चर इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ बी फर्स्ट ईयर. सो लेट अस एक्सप्लेन. फ्रिक्शन इज द फोर्स रेसिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ अ सॉलिड सरफेस. दैट मीन्स एक हम सरफेस लेते हैं और उसके ऊपर एक बॉडी जो है रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है. और जैसे ही हम इस पर लोड लगाते हैं वो बॉडी जो है मूवेबल हो जाती है, दैट मीन्स उसमें मोशन फॉर्म हो जाता है और बॉडी जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने के लिए रेडी होती है, ठीक है. तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से या फिर स्मॉल पी से. यहाँ पे हम डिनोट किए हैं स्मॉल पी से. इसको नाम दिया है हम रिलेटिव मोशन. जैसे ही बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है जनरेट होता है. और ये कब होगा? जब बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूवेबल कंडीशन पे होती है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे फॉर्म होगा. सेकंड केस में देखते हैं, हम सरफेस लिए हैं और उसके ऊपर एक बॉडी रखे हुए हैं जो कि बॉडी टोटली रेस्ट की कंडीशन में है, कोई मूवेबल बॉडी नहीं है, इसमें कोई रिलेटिव मोशन फॉर्म नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इसके अपर साइड पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है. अब यहाँ पे लोड नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं होगा. दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है जीरो होगी. थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पे हमारा सरफेस है और उसके ऊपर एक बॉडी रेस्ट कर रही है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्म होगा या नहीं? ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्म होगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है रेस्ट की कंडीशन में है. अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा, बिकॉज आपका सरफेस जो है स्लाइडिंग के केस में है. टेक्निकली ये कैसे फॉर्म होता है देखते हैं. ये हमारा बॉडी है, ऑब्वियसली उसका कोई सेल्फ वेट होगा. अब सेल्फ वेट को क्या किए हैं? हम डब्ल्यू कंसिडर किए हैं, ठीक है, सेल्फ वेट. अब इसके परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसके पैरेलल में एक कंपोनेंट फॉर्म होता है जिसको डब्ल्यू साइन थीटा, और इसके बीच का एंगल जो है थीटा. ये डब्ल्यू साइन थीटा ये है हमारा रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है जनरेट होगा. तो अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्म होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स जो है जनरेट होगा, बिकॉज इसमें डब्ल्यू साइन थीटा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करता है.